डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की। इस खबर से विदर्भ और खासकर नागपुर में खुशी की लहर दौड़ी है। परिवार और रिश्तेदारों में भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी श्रृंखला में डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अभिनंदन किया है। बता दें कि प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम को वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के ट्रस्टी के रूप में नामित किया गया है। वे सलाहकार मेंदू रोग विशेषज्ञ और ब्रेन सेंटर नागपुर के संचालक हैं। वे एमडी मेडिसिन डीएम न्यूरोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ है। WFN में विश्व के तीन ही विश्वस्त है जिसमें डॉक्टर मेश्राम नागपुर से है। इसके अलावा वे मनपा के नागपुर शहर स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर दीक्षा भूमि स्मारक समिति के सदस्य, बाबा आमटे के महारोगी सेवा समिति के विश्वस्त, विदर्भ साहित्य संघ के सदस्य हैं। अनेक संस्थाओं से वे जुड़े हैं। न्यूरोलॉजी क्षेत्र में उनका बड़ा नाम और कार्य है। उनके इसी अग्रिम कार्य के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जिसके चलते केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उनका अभिनंदन किया है। इस वक्त मिश्राम की आप्तजन भी मौजूद थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।